ऐसे कांड करते हैं हॉस्टल। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, कैसे हो गए आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम मस्त। शुरू करें रंगारंग कार्यक्रम। चलो तो देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मुझे सर्कल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्वेश्चन वो क्वाड्रिलेटरल का ही है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी इसमें सर्कल की। ठीक है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको सर्कल की बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, देखो जैसे क्वेश्चन कैसा होगा, एक 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 स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। अगर अब इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग आप बात करोगे तो इसमें आपका क्या होगा, स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर ट्रायंगल हो गया। मतलब हमें इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे ऐसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता। एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, और मैंने इसके आयत के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर और बना दिया। इस क्वेश्चन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर्कल की, क्योंकि स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे क्वेश्चंस में कुछ सर्कल की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप सर्कल का भी कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप क्वाड्रिलेटरल का भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे मुझे इस तरीके से जरूरत पड़ रही होगी सर्कल की। मेरी बात अब आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा जो बेसिक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर्कल का, एक बार वो बता देता, फिर चलते आगे। ठीक है, ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने आपको एक बार बता देता, अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल होता, इस ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल होता, तो इस सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। और इसकी त्रिज्या जो है उसे स्मॉल आर इन रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अगर एक इस तरीके से ट्रायंगल है, उसके बाहर सर्कल है, तो इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल मतलब परिवृत्त कहते भाई। और इसकी त्रिज्या है वो सेंटर से लेके यहां तक वर्टेक्स तक कैपिटल आर से दिखाते हैं। बात समझ आ रही है? अब मैं आपसे क्या चाहता कि मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात समझा दूं। देखो, अगर सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जो स्मॉल आर होती, ये वाली, इसकी वैल्यू होती साइड अपॉन 2√3, और कैपिटल आर जो है ये वाली, इसकी वैल्यू होती साइड अपॉन 3√3। ये नोट कर लेना। इसके बाद मैं आपको बताता राइट एंगल
ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो आर होती है, सर हट जाओ बाद में समझाऊंगा क्यों आया कहां से आया, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई टू, जब सर्कल की प्रॉपर्टीज में आपको समझा दूंगा उसके तुरंत बाद आप इससे से पूछ लेना तुरंत, मैं आपको उसी सेकंड आपको ये समझा दे रहा हूँ जब सर्कल बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर कैपिटल आर की बात करोगे तो इसे लिखते हैं हम हाइपोटेनस बाई टू कर्ण बटे दो। ये दो ट्राइंगल मेन है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल, इन दोनों की तो आपको लगभग सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जब आप पेपर में जा रहे हो, क्योंकि ये इन ट्राइंगल के व्याप से वो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जिसमें वो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ना पूछे। अब इतनी स्थिति होने के बाद मैं थोड़ा सा साइड में ले जा रहा हूं उसे, और अगर मैं लिखता हूं इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल मतलब किसी भी त्रिभुज में, तो जो स्मॉल आर है वो होती डेल अपॉन एस, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, इसका मतलब अर्ध परिमाप, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, ए बी सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड्स, और इसका मतलब फोर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। थैंक यू। ओके ठीक है प्रसन्नजीत, ओके 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 ठीक है भाई। चलो तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अब इतनी बात बताने के बाद मुझे आपको लेके चलना है सर्कल में, वृत्त क्या होता है सर्कल, स्टार्टिंग में छोटी बातें बता रहा हूँ ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है वो सब कुछ समझ आएगा भाई, सब कुछ समझ आएगा, बैठे रहो चुपचाप देखते जाओ हो क्या रहा है, तो माहौल है बारिश का और ऊपर से मैथ भी चल रहा है। देखो ये बात आपको बताया सर्कल है कि यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां मिलाएंगे रेडियस और दो रेडियस मिल जाएगी तो बन जाएगा डायमीटर। अगर ये सर्कल है, इस सर्कल में हमने यहां से एक लाइन इस तरीके से खींच दी, तो
इसको नाम देते हैं भाई टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। लेकिन अगर लाइन गई ऐसे तो ये हो जाएगी सीकेंट। सीकेंट का मतलब होता प्रतिच्छेदी रेखा। 5 मिनट सुनना, बस 5 मिनट में हो जाएगा निपटा का मामला। प्रतिच्छेदी रेखा ठीक है। उसके बाद अगर ये सर्कल है, सर्कल में यहाँ एक टेंजेंट है, ये पॉइंट मिला है रेडियस। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देखो अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में यहां से रेडियस ली, यहां से रेडियस ली, तो जो ये हिस्सा होता इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ये भी सेक्टर ही है वैसे। ये छोटा है तो ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड ठीक है। लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसके बाद सर रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ भाई तुम्हारे लिए ही समझा रहा हूँ ये बात ठीक है। मिस्टर सचिन सिर्फ आपको देख कर तो नहीं पढ़ाऊंगा ना मैं, और भी तो बैठे होंगे ना भाई यहाँ ठीक है। देखो भाई अगर ये एक पॉइंट लिया हमने कहीं भी और इस पे ये एक लाइन ली ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक डिस्टेंस है। अगर मैं इसे यहां से यहां मिलाता हूँ, यहां से यहां मिलाता हूँ, यहां से यहां मिलाता चला गया, यहां से यहां मिलाता चला गया, इसे इस तरफ मिलाया, इस तरह से इस तरफ मिलाया, इसे इस तरफ मिलाया, इसे इस तरफ मिलाया, तो आप क्या कहोगे? अगर आपसे बात होगी मिनिमम डिस्टेंस की, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर से मिलती है। तो अगर इस सर्कल की बात करता हूँ मैं, इस सर्कल पे मैंने यहाँ से एक टेंजेंट खींच दी ठीक है, तो टेंजेंट खींच दी, तो आप ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से मैंने यहाँ लिया ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ मिलाता हूँ, मैं इसे यहाँ मिलाता हूँ, मैं इसे यहाँ मिलाता हूँ, तो इस आप किसी भी डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कह पाओगे।
लेकिन आप इतना जरूर कह पाओगे कि सर ये रेडियस है मिली हुई है और ये यहाँ पे 90 डिग्री हो, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है, सबसे कम दूरी जो है इन सभी लाइनों में वो यही दूरी है और ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये पक्का क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। फटाफट देखो, अब इसके बाद क्या है, अगर एक सर्कल लिया, इस सर्कल में हमने यहां पे एक लाइन खींच दी, ये ए बी है, ए बी कोर्ड है, ठीक है। अगर ये कोर्ड है तो इसके नीचे का जो हिस्सा है ना, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ऊपर के हिस्से को बोलते हैं सेगमेंट, और इसे हम क्या कह देंगे, छोटा है तो माइनर और बड़ा है तो मेजर, ठीक है। मतलब से लघु वृत्तखंड, 5 मिनट देना बस सचिन, तेरे पास ही आ रहा हूं फिर मैं। और दीर्घ वृत्तखंड, 5 मिनट का तो वेट किया जा सकता ना बच्चा बाटी, ठीक है। अब देखो ये, अगर ये कोर्ड होगी ना, ये सेंटर है, कोर्ड से कभी भी सेंटर पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमेशा डिवाइड कराएगा दो इक्वल पार्ट्स में। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कोर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कोर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स। केंद्र से जीवा पर डाला गया आलम जीवा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। इसके बाद मिस्टर सचिन फौजदार, हम आपसे पूछना चाहते कि अगर एक सर्कल है, बताना भाई तुम, और एक सर्कल है तो इसमें एक टेंजेंट मैंने यहां से ड्रॉ की और एक टेंजेंट मैंने यहां से ड्रॉ की, ये दो टेंजेंट ड्रॉ की, इसे हम नाम दिया पी ए बी। क्या क्या जानते हो आप इसके बारे में, एक बार मुझे थोड़ा सा बताओ फिर मैं आपको बताता हूं। अगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, देन व्हाट थिंग्स यू कैन से अबाउट दिस? बस इतनी सी बात, पी एज इक्वल टू पी बी, और कुछ नहीं पता है। पी एज इक्वल टू पी बी से काम चल जाएगा, बस बताओ आप ही, इसीलिए बता रहा हूं। प्रभा पी एज इक्वल टू पी बी, रोहित दहिया पी एज इक्वल टू पी बी, टेंजेंट सेम होगा, दीपक पी एज टू पी बी, जसपाल पी एज टू पी बी, रिसु पी एज टू पी बी, आकाश पी एज टू पी बी, इसके अलावा एक ने भी कोई बात नहीं बताई यहाँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, खोपड़ी खोल के, अगर ये सेंटर है, सेंटर से यहां मिला हुए, तो ये रेडियस होगी और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। ये यहां से यहां मिलाया, ये 90 डिग्री, क्लियर है। इसे मिलाया ये वाला हिस्सा, तो अब आपको दिखाई देगा कि अगर मैंने इसे नाम दिया ओ, तो ओ से बी परपेंडिकुलर है, ओ से ए परपेंडिकुलर है, एक ट्राइंगल ये बन गया यहाँ पे, बात समझ आ रही है? तो दो तीन बातों को ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, दो ट्राइंगल दिखाई देंगे इसमें आपको, दो ट्राइंगल, कौन कौन से, ओ बी पी और ओ ए पी, बात समझ आ रही है? ओ बी पी ओ ए पी,
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, ओपी इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू कॉमन। बात समझ आ रही है? तो जब साइड साइड और एंगल सांस लगी तो इसका मतलब क्या बनेगा, कॉनग्रेंट बन जाएगा। कॉनग्रेंट बनता है मतलब इसे ओवरलैप करेगा, ठीक है। और आप जनरल वे भी कह सकते थे, तो यहां से आप कह दोगे सो पी ए इज इक्वल टू पी बी, एक तो ये है। अदरवाइज आप क्या कह सकते, सुनना ध्यान से मेरी बात को। देखो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया आपने, और राइट एंगल ट्राइंगल लेने के बाद आप बोल रहे हो कि सर इसकी रेडियस अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी पक्का, अगर हमने से 13 सेंटीमीटर कहा, तो अगर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस अगर सेम है और हाइपोटेन्यूज सेम है तो क्या परपेंडिकुलर सेम नहीं होंगे? तो इसका मतलब ये भी 12 और ये भी 12, क्लियर है? तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऊपर से उठाकर इसके ऊपर चिपका दूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर जाएगा। तो हम क्या कहते हैं इसी वजह से कि जो यहां है ना, ये दोनों हिस्से बाइसेक्टर होंगे। मतलब जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन इस तरफ भी एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी और इस तरफ भी एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। कुछ बात सीखने को मिल रही है? एक बात और देखो, फिर जब इतनी बात समझ ली, देखो एंगल ए और एंगल बी ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए एंगल बी ऑपोजिट एंगल है। अगर एंगल ए एंगल बी ऑपोजिट एंगल है तो आप एक बात सोच के बताओ, इनका सम तो 90 90 करके 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ओ और पी का भी सम 180 होगा। तो हम यहां से कह सकते ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज होगा, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात कुछ समझ आई? क्लियर? तो खाली पी ए इक्वल टू पी बी जान लेने से कुछ नहीं होने वाला भाई। चलो आगे, चलूँ आगे। अब देखो क्वेश्चन फटाफट बताना। अब जो बात मैंने आपको बताई थी उसी के ऊपर मैं आपको लेके चलता, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, अनदर टेंजेंट DE is drawn in such a way that D is on PA and E is on PB
इफ PA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी डी ई. पीए तथा पीबी, पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तीसरी स्पर्श रेखा DE इस प्रकार है कि डी पीए पर है व ई पीबी पर है. यदि पीए बराबर 20 सेंटीमीटर तब त्रिभुज पी डी ई का परिमाप. जल्दी बताओ. रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार. हल्का स्लो है नेट ड्यू टू रेनिंग इन दिल्ली. बारिश चल रही है दिल्ली में अभी. मैं भी भीगता हुआ आया था. अब ठीक है, शुरू करें. ओके, देखो सर, एक सर्कल है एक सर्कल है. इस सर्कल में
एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ की गई, एक टेंजेंट यहां से, पी ए बी। फिर वो कह रहा है कि एक तीसरी टेंजेंट और भी है जो डीई है, और डी जो है वो पी ए पर है और ई जो है वो पी बी पर है। तो हमने इस पॉइंट को मान लिया एफ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर रुक, तो आप एक बात देखो, जब बाहरी पॉइंट है ये वाला बाहरी पॉइंट, तो यहां से एक टेंजेंट ही होगी और एक टेंजेंट ही होगी, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। और बाहरी पॉइंट इस डी से डीई की लेंथ और डी ए की लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब जब साफ दिया गया था आपको 20 सेंटीमीटर, और ये भी आपको दिया गया था 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बराबर होता, तो आप खुद ही सोच के बताना यहां से, खुद सोच के बताओ। देखो, एक आदमी यहां से चलना शुरू करता, वो यहां गया, ठीक है, अगर वो ई से आगे जाएगा तो पूरा 20 चल जाएगा, लेकिन उसे पता चल रहा है कि अगर मैं एफ पे पहुंचूंगा तब भी मैं 20 ही चल पाऊंगा, मतलब पी टू ई देन एफ देन ही विल कवर 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ई टू बी एंड ई टू एफ इज इक्वल। बट इफ अनदर पर्सन पी स्टार्ट फ्रॉम पी टू ए, बट एट डी ही मूव्स टू एफ, एंड वी कैन से ही ऑल्सो मूव्स 20 सेंटीमीटर, सो पैरामीटर ऑफ पी डी ई 20 + 20 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, देखो करो क्वेश्चन करो भाई। एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक स्क्वायर है,
ये ए बी सी डी, पी क्यू आर, इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड, एबीसीडी, पी क्यू आर एस, स्क्वायर वर्ग है। एक्स वाई जेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। फाइंड ए बी इज टू एक्स वाई, बताओ भाई। वाला हाँ जी, तो देखो एक स्क्वायर है ए बी सी डी, उसके अंदर एक और स्क्वायर है पी क्यू आर एस। देखो ए बी सी डी के अंदर, जो ए बी सी डी के अंदर पी क्यू आर एस स्क्वायर बनेगा, पहली तो बात, या तो वो आपको लिख के देगा पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स, मतलब पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है, मध्य बिंदु है, तो तब भी वो एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने से हमेशा एक स्क्वायर बनता, ठीक है, इस बात को आप लिख लेना कहीं। चल रहा इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से चेक करो, यहाँ बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, सही।
आप देखो अपना। ऋषि कुमार? नहीं, ऋषि कुमार बेटा इतना आसान होता तो उसे कोई भी कर देता। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक आता। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी खोपड़ी लगानी पड़ती। अब ध्यान देना जो मैं बोलता जाऊंगा। देखो अगर इसकी साइड मान ली 2a, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखते रहना। अगर इसकी साइड 2a ले ली, 2a क्यों ली? क्योंकि मिड पॉइंट है तो फ्रैक्शन ना बने, इस वजह से ओनली। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हिस्सा a हो जाएगा और ये हिस्सा भी a हो जाएगा। ये एक स्क्वायर है, एक का भी सही नहीं, आप जितने तुक्के मारने मार लो। ये ए है, ये भी ए है। अब आप खुद बताओ ये 90 डिग्री है तो क्या ये √2a नहीं होगा? किसकी साइड? पी क्यू आर एस की साइड है, √2a हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर आप इस सर्कल को देखो, इसके बाहर क्या है? स्क्वायर है। जो ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है वो इस सर्कल के बाहर है, और हमें यहां से पता चल गया कि जो पी क्यू आर एस है उसकी जो साइड है वो √2 और ए बार है। समझ आ रही बात? √2a बार है, तो इसका डायमीटर भी इतना ही हो गया, तो रेडियस तो आधी हो जाएगी। तो यहां से अगर हमने इसकी रेडियस निकाल दी सर्कल की, तो रेडियस कितनी आएगी? √2a और अपॉन 2, मतलब a बाई √2। क्लियर? अब आप एक बात मैंने आपको भी समझाई थी कि अगर एक सर्कल है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर है, तो ये यहां से और यहां तक इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। तो जो रेडियस बताई थी कैपिटल आर, याद है? लिखाया था मैंने आपको यहां, देखो अभी तक रफ नहीं किया था मैंने, वो शायद रफ तो मैंने किया नहीं वो भी। कर दिया भाई, लिखा था लेकिन मैंने। ठीक है, देखो सर, तो जो इसकी रेडियस होगी वो मैंने आपको लिखाया था साइड अपॉन √3 होती। तो अगर मैं इसकी साइड को b मान लूं, इस इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है ये वाला हिस्सा जो है, इसकी साइड को अगर मैं b मान लूं, ये वाला पार्ट, ये b मान लिया इसकी साइड, तो ये भी b हो जाएगी, ये भी b हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड अपॉन मतलब b अपॉन √3 होगी। अब एक बात बताओ, सर्कल तो सेम है ना, तो रेडियस भी सेम होगी, तो ये दोनों रेडियस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हमने इस रेडियस की वैल्यू यहां रख दी, तो ए अपॉन √2 बराबर बी अपॉन √3 के। ठीक
यहां से 20 तरफ रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो ए अपॉन बी आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री के। तो जब ए की वैल्यू रूट टू होगी, बी की वैल्यू रूट थ्री हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी इज टू एक्स वाई पूछ रहा है। तो ए बी तो 2a था और एक्स वाई बी है, चेक करो। तो ए की वैल्यू रूट टू है, तो इसका मतलब ये हो गया 2√2 और ये हो गया रूट थ्री। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जस्ट अगर समझ आ गया तो सारे के सारे वाई टाइप करें, अगर समझ आ गया सारे वाई टाइप करेंगे, और नहीं समझ आया तो एन टाइप करो जल्दी। सभी का वाई, वेरी गुड भाई, मजा आ गया। चलो तो आ गया। बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी, मिलेगा मिलेगा, डोंट वरी, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलो आगे एक क्वेश्चन देखो। एक व्हील है, एक साइकिल का व्हील है, साइकिल है एक, उस साइकिल का एक चक्कर है, ये व्हील है उसका, ठीक है भाई। और हमने क्या किया, जैसे साइकिल रोकने के लिए क्या करते, उसके सामने एक ईंट लगा देते, ठीक है, एक ब्रिक, एक ईंट का यूज कर लेते। तो हमने इसके सामने, एक ईंट लगा दी,
हमने इसके सामने एक ईंट लगा दी, ठीक है। तो जहां ये साइकिल का पहिया जमीन पर कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, तो इस टचिंग पॉइंट से इस ईंट तक की जो दूरी है वो 6 इंच है, और जो ईंट लगाई हमने वो 2 इंच की लगाई, 2 इंच मोटाई की ईंट है, समझ पा रहे हो। जहां से साइकिल का पहिया टच कर रहा है ईंट को वो 6 इंच है, और जो हमने ये लगाई ईंट वो स्टोन लगाया, स्टोन लगाया, ईंट लगाई, ब्रिक लगाए, कुछ भी लगा दो आप, वो 2 इंच का है, ठीक है भाई। तो आपसे बोलेगा फाइंड रेडियस ऑफ व्हील, फाइंड रेडियस ऑफ व्हील, उस चक्कर की, उस साइकिल के पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी भाई। कितने हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखो सुनो, ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या करना है देखो, जहां इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, मान लिया यहां, सेंटर से मिलाऊंगा रेडियस तो परपेंडिकुलर तो बनेगी बनेगी, और इस बात को आगे बढ़ा दूं तो आप खुद बताओ ये 90 डिग्री बन गया इस वाले पार्ट पे, क्लियर है। तो ये 2 इंच है, तो ये भी 2 इंच है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है,
अगर इसे आप पूरा मिलाते तो यहां भी 90 डिग्री बनाता, कोण की वजह से यहां 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये 2 इंच है तो ये भी 2 इंच है यहां, और ये 6 इंच है तो ये भी 6 इंच है। अब हमें निकालना है इसका पार्ट जो यहां से यहां तक का, ये आर, ये रेडियस चाहिए। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो अब अगर आप एक बात देखोगे, सर ये भी तो रेडियस ही है, ये हिस्सा भी तो रेडियस ही है ना सर पूरा, तो अगर मैं इसे यहां तक ए रखूं तो रेडियस ए प्लस टू हो जाएगी, तो इसका मतलब ये रेडियस भी ए प्लस टू हो जाएगी। चेक करके देखो सही कह रहा हूं फटाफट। हो जाएगी। तो अब इसे अगर मैं नाम दूं कि सर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो 90 डिग्री के बीच में ए प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ए प्लस टू मतलब ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 36, ए स्क्वायर से काट दे ए स्क्वायर, ये 4 इस तरफ जाएगा तो 4 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो ए इज इक्वल टू हो गया 8। अगर ए की वैल्यू 8 है तो जो रेडियस है वो तो यहाँ पर भी आपने समझ आ रही है ए प्लस टू है, तो ए प्लस टू होने का मतलब क्या है 8 प्लस 2, तो इसका मतलब 10 इंच आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? बताओ कोई से भी ऐसे प्राणी हो जैसे लग रहा हो कि नहीं सर ये बात समझ नहीं आई तो मुझे बता देना। जितनों के बात समझ आ गई तुरंत वाई टाइप करो फटाफट, क्योंकि मैं तुम्हारे सिर्फ कमेंट देख पा रहा हूँ। फटाफट बताओ, पहले भी कमेंट ही देख पाता था वैसे मैं। जल्दी बोलो। प्रसन्नजीत शॉ, कपिल अग्रवाल, आकाश, ओके, रितिका शर्मा, आदित्य कुमार, ऋषु कुमार, थैंक यू प्रशंजीत। अभी चलते हैं आगे। देखो भाई, अगर एक स्क्वायर लिया, ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर एक सर्कल लिया, क्लियर, इसके अंदर यहां एक छोटा सर्कल एक और लिया, ये सेंटर है, इस सर्कल की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है।
ये सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बेटा कम से कम दो दो बार देखने पड़ेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात के ऊपर। तो फाइंड आर, इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस बताओ। इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस बताओ भाई। फाइंड रेडियस ऑफ छोटू सर्कल। भाई तुक्का नहीं मारना भाई, और इतना आसान दिया भी नहीं है। नो आइडिया सर जी, जब नो आइडिया है तो हम करेंगे ना, फिर काहे दिक्कत मानते हो। देखो ध्यान से, बहुत खोपड़ी लगा कर देखना। अगर ये 10 सेंटीमीटर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बोर्ड की तरफ फोकस रखेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान रखना बता रहा हूं पहले ही। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और ये भी 10, और ये कॉर्नर साफ 10 है, वो 90 डिग्री है, क्योंकि राइट क्या बन जाएगा, एक यहां से यहां परपेंडिकुलर, यहां से यहां परपेंडिकुलर, ये एक स्क्वायर है पहले से ही। स्क्वायर का एक सारे एंगल एक 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 करके 90 90 90 डिग्री के होते, तो जो एक कॉर्नर है ये 90 डिग्री का होगा, मान लेना। लगाऊंगा नहीं क्योंकि जगह नहीं बचेगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब जब तीन एंगल 90 डिग्री के हो गए, चौथा कितना भी आंव आंव करेगा, इसे भी 90 डिग्री का होना पड़ेगा। इसके पास में कोई रास्ता, कोई चारा नहीं बचता। पहली बात समझ आई होगी आपको। अगर मैं इसे लिखता हूं ओ ए बी सी, तो आप कहोगे सर जो ओ सी है वो मुझे आप बताएंगे ओ सी कितना होगा, ओ सी कितना होगा जल्दी बताएंगे मुझे आप। मैं आपसे उम्मीद करना चाहता है कि हाँ ओ सी तो आप मुझे बता ही दोगे कम से कम। ओ से लेके सी तक जो डायगोनल बनेगा ओ बी सी ए, एक स्क्वायर जनरेट कर जाएगा, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो, जो एक लगी हुई साइड्स है वो कितनी है, वो 10 10 सेंटीमीटर की है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ओसी जो होगा वो डायगनल ऑफ स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का डायगनल जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर होगी, उसे एक नन्ना मुन्ना बच्चा भी बता देगा कि सर 10√2 होगा।
क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भाई, अब ध्यान से देखना, खोपड़ी खोल के देखो, बहुत ध्यान से। अगर इसे मैं यहां से यहां मिलाऊं, देखो जूम कर दिया पूरा पार्ट, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये छोटा सा स्क्वायर बन गया, दिखा दे रहा है? या और जूम करे, ये ले, ये जो छोटा सा स्क्वायर बना, बहुत ध्यान से समझना, जो छोटा सा स्क्वायर बना इसका नाम कुछ भी रख दूं, अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम लिखा डब्लू एक्स पी, ठीक है, डब्लू एक्स पी जो ये हो गया, अब आपको दिख रहा है पी डब्लू सी एक्स एक स्क्वायर है, अगर इसकी साइड मान लूं आर, तो ये भी आर होगी, रेडियस ही तो है, अगर रेडियस आर होगी तो आर की रे, आर की फॉर्म में पीसी की वैल्यू क्या होगी, आर की फॉर्म में पीसी की वैल्यू होगी आर रूट टू, जल्दी बताओ समझाए की बात। हाँ बिल्कुल सही बात है, अब आपको मतलब मामला समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता इसे, अब यहां देखो आप, फटाफट देखना ये बात आपको अब समझ आ गई कि सर पीसी तो आर रूट टू हो गया। अब अगर एक बात देखोगे, मैं इसे ओ से लेकर यहां तक मिला देता बस खाली, तो इसे आप 10 कहोगे क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल की रेडियस 10 है, तो ओ से लेके अगर हमने मिलाया जेड तक, इसे पॉइंट को नाम दिया जेड, तो ओ जेड जो होगा वो 10 होगा। अब आप मुझे बताओगे सर जेड पी कितना होगा, जेड पी ये वाला हिस्सा कितना होगा, जेड पी फटाफट बताना बहुत तेज, जेड पी बताओ कितना होगा, जेड पी जल्दी, हाँ नंबर से हाँ बिल्कुल सही बात कि सर जेड पी होगा आर, और पी सी आप जान चुके, ये लिखा आर रूट टू। तो अब मुझे आप एक बात बताओ सर, जो ओ सी है
तो ओसी बराबर आप लिख सकते कि सर ओ जेड प्लस जेड पी प्लस पी सी, फटाफट बताओ बहुत सोच के। होगा तो ओसी की वैल्यू हमारे पास है ये लो, ओसी की वैल्यू हमारे पास है ये लिखा पहले ही, तो ओसी की वैल्यू है टेन रूट टू हमने लिख दिया, ओ जेड की वैल्यू टेन है, जेड पी की वैल्यू आर है, पी सी की वैल्यू आर रूट टू है, हो गया। तो जैसे 10 इस तरफ जाएगा तो 10 कॉमन लो के आप कह दोगे रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू, आर कॉमन लेके आप क्या कह दोगे रूट टू प्लस वन, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा टेन अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो अगर आपको समझ है तो ये खेल है चंद सेकंड का, और अगर नहीं है मैंने इतने आराम आराम से इस वजह से बताया क्योंकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। मतलब बहुत आएंगे प्रश्नजीत, दीपक कुमार बिल्कुल ऐसे होता बेटा, क्योंकि जब हम एक स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पे ठीक है, और यहाँ भी आपने एक स्क्वायर बनाया और यहाँ पे भी आपने एक स्क्वायर बनाया और यहाँ पे भी आपने एक स्क्वायर बनाया, तो जब डायगनल जाएगा वो टक 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 सबसे होता चला जाएगा, समझ आई? ये क्वेश्चन पूछा गया था कैट में, ठीक है उसमें अंतर क्या था बस देखो, जिसे ये बात समझ आती उसने कैट में यहां चार सर्कल दे रखे थे इसी तरीके के ऐसे ही, बस इतना अंतर था और कुछ भी नहीं था, एक की आ जाएगी तो चारों की फिर तो सेम ही हो जाएगी। ठीक है तो इस बार आप बताओगे तेज, एक स्क्वायर है एबीसीडी, इसके अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 है, इसके अंदर हमने एक छोटू सर्कल बनाया, तो आप इसकी रेडियस बताएंगे। जल्दी फटाफट, अब की बार रुकना नहीं है। देखो जिसे मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जल्द याद नहीं याद करें इस चीज को, अगर याद करेंगे तो 20√2 − 1/√2 + 1 मैं तो लिख दूंगा फटाफट सीधा, मेरे तो याद है ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सिरदर्दी हो सकती है ठीक है, तो आप इतनी अगर तेजी से ही करना चाहते हैं कि सर नहीं तेजी बता दो ऐसे ही, तो बस सीधा देखो फटाफट क्या करना है, क्योंकि इतना टाइम आपको लगेगा नहीं यहां से, कि हमने देख लिया यहां से डायगनल है तो जो डायगनल जाएगा वो 20√2 है, और ये बराबर होगा वो यहां से यहां तक इसकी रेडियस 20 के, और यहां से आगे इसके छोटे वाले की रेडियस आर के,
और इससे आगे का जो हिस्सा है वो आर रूट टू हो जाएगा इसके डायगनल की वजह से। ठीक है, तो 20 इस तरफ जाएगा तो रूट टू माइनस वन हो जाएगा, और आर कॉमन लेंगे तो रूट टू प्लस वन हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 20√2 − 1 अपॉन √2 + 1। हो गया, क्लियर है यहां तक?
तो पाजी आपको बता, ओके लगवाते हैं, जल्दी लगवाते हैं। तो यहां तक का मामला क्लियर है बिल्कुल एकदम, कोई समस्या यहां तक हो तो बताओ। नहीं है, चलो आगे चलो। एक सर्कल है, एक सर्कल इसके अंदर है, एक और सर्कल इसके अंदर है, एक और सर्कल इसके अंदर है, ये तीनों सर्कल इक्वल है अंदर वाले, थ्री आइडेंटिकल सर्कल एन ए बिगर सर्कल। फाइंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तीन आइडेंटिकल, तीन समान वृत्त हैं, एक बड़े वृत्त के अंदर है और इन छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो एक यूनिट है। तो आपसे पूछ रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्रांति भास्कर जी, बिल्कुल कंप्लीट ऑडियो आएगी आपके पास, डोंट वरी, नो नीड टू वरी। सर ये ऐसे भी तो सही है ना, बड़े वाला सर्कल का रेडियस और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। ऐसे कैसे भाई, थोड़ी सी खोपड़ी लगाओ, पक्का मिलेगा।
कुछ है इस क्वेश्चन में जो तुम इतनी देर कर रहे हो? देख, ये यहां से यहां मिलाया, सेंटर टू सेंटर, तो ये एक और ये भी एक, इसका सेंटर टू सेंटर, ये एक ये भी एक, सेंटर टू सेंटर, एक एक। तो आप नहीं कह दोगे कि सर ए बी सी जो बन गया दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड टू यूनिट, एक बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया 2 यूनिट रेडियस का, बड़े वाला जो सर्कल है उसका सेंटर तो यहां मान लिया और उसकी जो रेडियस होगी वो यहां से यहां तक और ये पूरा हिस्सा ये, ठीक है, या फिर यहां से और ये यहां तक रेडियस, या फिर ये यहां से और यहां तक रेडियस, इस तरीके से निकाल पाओगे। अब देखो जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये, इसकी साइड दो 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 है, अब आपको निकालना यहां से और यहां तक का हिस्सा, देखो यहां से और यहां तक का हिस्सा, और ये मैंने आपको बताया था कैपिटल आर होता, और कैपिटल आर क्या होता, साइड अपॉन √3, याद होगा लिखाया था आज आते के साथ, इसका रीजन यही था कि आपको दिक्कत ना हो फिर से, ठीक है। इसका मतलब जो ये हिस्सा है, अगर मैं इसे नाम दे दूं ओ ए और इसे पी नाम दिया, तो ओ ए बराबर हो गया 2/√3, और ये पी ए बराबर 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो मतलब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल आर बराबर हो जाएगा 2/√3 और +1, मतलब 2+√3 √3, ये इसका आंसर होगा। नोट करो, बहुत छोटा सा आंसर था यार, इतना आसान सिंपल इतना क्वेश्चन, ऐसे मैं इतनी उम्मीद तो करूँ ना आप लोगों से कि ऐसा क्वेश्चन तो कर दोगे आप। बोलो समझ आ गया? प्रभु का सही था, प्रभु का सही था। दीपक थोड़ा सा गड़बड़ है बस, और कोई सही नहीं था। बोलो अब समझ आ गई बात, क्लियर है यहां तक भाई? चलो आगे, एक सर्कल लिया, एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स इक्वल सर्कल बराबर बना लेना भले ना लगे तुम्हें, ऑफ रेडियस 2 यूनिट, ऑफ 2 यूनिट में 2 सेंटीमीटर लिख दिया मैं, फाइंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, कर दोगे अब?
बिल्कुल अब की बार कुछ ठीक था। क्या हुआ? अच्छा देखो भाई, यहां से यहां दो दो, ये दो और दो, ये दो और दो, ये दो दो, ये दो दो, और ये भी दो दो। तो आपको ये दिखाई देगा कि सर ये तो 4 सेंटीमीटर यूनिट रेडियस, 4 सेंटीमीटर का एक हेक्सागन नहीं बन गया? क्या बन गया? हेक्सागन बन गया, 4 का हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा आपको। 4 का जब हेक्सागन बनेगा तो इसकी जो रेडियस, ये सेंट जो यहाँ सेंटर मान लोगे, तो देखो रेगुलर हेक्सागन जो होता है ना, रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते। और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होने का मतलब देखो, यहां से यहां तक अगर आप इसे मिलाओगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 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 ये भी 2, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से। तो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। बोलो समझ आए कि नहीं आई बात? ये 2 ये हो गया पूरा, कितना? 4। तो ये 4 होगा, सॉरी ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, और ये भी 4, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला। तो इसकी ये साइड 4 है, तो ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। तो 4 ये हो गया और 2 आगे हो गया, तो बड़ी आर जो होगी वो 4 + 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो मतलब क्या करना चाह रहे हो शिवम? ऑलराउंडर बन गए मतलब? ठीक है भाई, आप कहीं से भी निकाल दो। देखो यहां से यहां तक रेडियस निकालोगे तो ये 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये 4 और ये 2, तो 4 + 2 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6। क्लियर? अब एक ढंग से क्वेश्चन दे दो, बहुत देर होगी। ये भी आसान ही था वैसे। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। होल सेंटर इज ओ, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जिसका केंद्र वो है।
50√2। भाई कहाँ हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? है देखो इधर, इतना आसान नहीं है ये जितना आसान तुम सोच रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन देकर मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, टाइम देता हूँ जिस क्वेश्चन में टाइम देना उसका मतलब मान लेना उसमें कुछ ना कुछ जरूर है, ठीक है? अदरवाइज ऐसे टाइम नहीं दिया जाता किसी क्वेश्चन में। देखो ये पूरा 20 डायमीटर है, तो 10 रेडियस, सो यहां से सेंटर से ऊपर तक 10 रेडियस। अगर इसकी रेडियस आर मान लूं, इसे पी कह दिया नाम, तो ओपी आप कहोगे सर पक्का 10 - r होगा, फटाफट बताओ। हाँ होगा, बोलो फटाफट। अब देखो ये 10, इसे नाम दिया डी बी ए सी क्यू, ये 20 है, तो ये 5 5 5 5 हो जाएगा। अब यहां देखो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई ये रेडियस है ना, कहां से कहां तक ये पूरी, और ये इसके टेंजेंट भी काम करेगी, तो यहां से यहां तक रेडियस होगी और ये टेंजेंट होगी सर्कल पे, तो टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसके बाद आप देखोगे तो इसे यहां मिलाया, ये तो यहां से यहां तक 5 हो गया, इससे आगे का हिस्सा हो गया आर। तो अगर ओसी की बात करूंगा तो 5 + r, ओसी 5 + r, सीपी हो गया 5। तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दिया कि सर ये 5 + r है, ये 10 - r है और ये 5 है, 90 डिग्री के अपोजिट में। तो 5 + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर + 10 - r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 + r² = 25 + 100 + r² - 20 r। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 25 से 25 गया, तो ये कितना हो गया, +10 r भी तो होगा, तो 20 r इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 30 r = 100 r = हो गया 0 से 0 काट कर 10/3। नोट करो हाउ ओपी इज टेंजेंट। ओके देखो जब ये सर्कल बनेगा ऐसे, तो ये वाली लाइन जो आ रही है सर टच करती भी नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा तुम्हें, यहाँ टच कर रही है, तो रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये आधा सर्कल आपको इतने तो दिखाई दे रखा है बस, वो यहां से यहां इतने तो दिख रहा है, तो इसे पूरा घुमा दे, टेंजेंट खुद दिखेगी तुझे।
समझ आ गई बात अब? अब देखो इसमें जल्दी से कैसे याद रखोगे? याद करने के लिए मैं तुम्हें बता देता, एक दो और ये तीन, कितने सेमी सर्कल हैं? तीन, तीन सेमी सर्कल है। तो जो रेडियस होगी छोटे वाले की वो एक दो तीन और बड़े वाले का डिवाइड बाय थ्री आंसर। जो स्मॉल आर होगी वो कैपिटल आर बाय थ्री होती है इसमें, ये बात ध्यान रखना। स्मॉल आर इसकी और कैपिटल आर मतलब ये पूरा डायमीटर 20 है तो रेडियस तो 10 होगी। तो बस इसे समझ लेंगे कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई थ्री। ठीक है, पेपर में कहीं एक एक बार ये पूछा गया था इस तरीके से। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये पूछा था एक बार, नोट करो। तो ध्यान देना इस बात में, इसमें कभी भी सर्कल की रेडियस नहीं देगा। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो इसमें इस सर्कल की रेडियस नहीं देगा, क्योंकि वो इतनी उम्मीद करता कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के आए होंगे। बात समझ आ रही है? अब देखो इसकी रेडियस तो बड़े प्यार से निकाल सकते हैं आप कि सर 20 है तो 5 5 5 5 में टूटेगा, और इसकी रेडियस आपको समझ आनी चाहिए कि साहब इसकी रेडियस 10 है तो 10/3 होगी। ठीक है, अब समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत इतनी है, जब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पूछ रहा है तो बड़े वाले में से पाई आर स्क्वायर बाई टू एरिया माइनस करेंगे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया माइनस करेंगे इसे मैंने आर वन लिख लिया, इसे आर टू लिख लिया। इसकी जो रेडियस है बड़े वाले की वो आर वन लिख लिया, छोटी इसकी आर टू कर दिया, इसके लिए आर थ्री कर दिया, माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर बाई टू कर दिया और माइनस पाई आर फोर स्क्वायर बाई टू कर दिया। इसका भी ये एक ये घटा देंगे, एक ये घटा देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बड़े वाले की कितनी है? 10। तो 10 का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 10 गुणा 10 और डिवाइड बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब 10/3 इंटू 10/3 माइनस पाई आर थ्री, मतलब 5। तो 5 गुणा 5 और डिवाइड बाय 2 और माइनस 5 गुणा 5 और डिवाइड बाय 2।
बात समझ आ रही है? तो 2 से काट दिया 5 बार, ठीक है। तो पाई सब में कॉमन है, 50 ही हो गया, माइनस 100/9 हो गया, माइनस। अब देखो पाई कॉमन लोगे 25/2, 25/2 तो -25 कर दिया, हो जाएगा भाई 25/2, 25/2 तो -25 हो जाएगा। 50 में से 25 गया, पचास में से 25 गया तो 25 बच गया, कर लोगे आंसर। क्लियर है? अब समझ आ गया होगा। अरे समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बताओ जल्दी फटाफट तेज कि हाँ सर यहां तक कोई समस्या है तो बता दो, अदरवाइज चलते आगे। तब तो समस्या नहीं होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। क्लियर है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन कुछ कुछ, जो मतलब चेंज करके देगा थोड़े थोड़े, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस करना, फिर अगली क्लास से मिलते हैं आपसे। कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री।
अगर कोई डाउट है, कोई बात पूछने चाहते तो आप पूछ सकते भाई। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई बात हो, कोई जो डाउट चल रहा हो कोई दिमाग में कि हाँ सर ये बात पूछनी है, तो आप पूछ सकते, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कोई भी आपको लग रहा हो कि हाँ सर ये डाउट है तो आप पूछो, फिर चलते अदरवाइज आगे। कोई से भी सोल्व कर लो, प्रश्न जीत कह रहा है सर पहले 17 के पेपर सोल्व करूँ या 18, कोई से भी पेपर सोल्व करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 करेगा पहले, 18 कर ले, 18 करेगा 17 कर ले, कोई से भी कर ले, क्वेश्चन तो तरीके ही आएंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई। सीजल 17 सीफ ने लेता, 18 टीसीएस ने लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, कंसेप्ट समझने की जरूरत है। देखो सीफी और टीसीएस में अंतर आएगा तो कैलकुलेशन का, कंसेप्ट तो बदल नहीं देगी कि टाइम एंड वर्क बदल देगी या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बदल देगी, कोशिश तो यही है साहब। ठीक है मिस्टर ऋषु, और कोई बात? पूछो पूछो पूछो। बस चले तो ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।